देखिए मैं पार्टी या कोई व्यक्तिगत उम्मीदवार के भरोसे मैं अपने देश के हित में सोचता हूँ। जो भी देश के हित में काम करेगा वो मैं जी सर्वोपरि। राहुल जब होती है, जब कांटे की टक्कर हो, जब लगता है कि यहाँ दोनों बराबर थे, एक दूसरे को टक्कर देंगे, किसी की कोई उम्मीद नहीं हो जीतने की। आप ये देखिए कि जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान की गोली चलना बंद हो, मेट्रो का भी चल रहा है, तो आने वाले सालों में आप ये भी देखोगे मेट्रो, हाईवे, रिंग रोड, ये सब एक मेट्रो सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा भोपाल। मैं ये चाहूंगा कि अमित शाह और मोदी जी साथ में योगी जी की जोड़ी अमर रहे। खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं है। 500 साल बाद हमारे राम जी अपने घर पधारे हैं, खुशी को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं तो ये बोलूंगा दो शब्दों में, तो भोपाल में तरक्की है। देखिए इस बात में कोई दोहराई नहीं कि हिंदुस्तान एक विश्व गुरु बन चुका है। मोदी जी ने वो पहचान पूरे विश्व में हम सबको दिला दी है। हेलो नमस्कार, मैं अमित हायरन। लोकसभा चुनाव 2024 में आज हम पब्लिक की ओपिनियन लेने, उनकी राय लेने के लिए पाल क्षेत्र के मध्य चौक क्षेत्र में आज आए हैं और यहाँ हम एक आम जनता से, आम मतदाता से उनसे राय पूछेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में, अपने पसंद और नापसंद उनसे मतदाताओं के बारे में। आइए हमारे साथ भाई साहब जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, राम राम। मैं रूपक जैन चौक बयाल से भोपाल। रूपक जी आप यही भोपाल के रहने वाले हैं इसी क्षेत्र की, तो आप तो बहुत पुराना नाता रहा है आपका लोकसभा इस क्षेत्र से, तो आप जो वर्तमान में जो भी कैंडिडेट्स यहाँ से खड़े हुए हैं आप पर्सनली उनको इतना जानते हैं? वो मेरे बचपन के बाल सखा है, मेरे मूल्यदार है, मेरे पड़ोसी है, बहुत अच्छे बंदे है और उम्मीद करता हूँ कि वर्तमान सरकार के मार्गदर्शन में नियम कायदे और उन्हीं का पालन करते हुए वो इस चुनाव में आए और निश्चित ही सफलता हासिल करें। वर्तमान में जो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट उनके अपोजिशन में रखे उतारे गए हैं, कितनी दमदार टक्कर लग रही है आपको पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार? देखिए मैं पार्टी या कोई व्यक्तिगत उम्मीदवार के भरोसे मैं अपने देश के हित में सोचता हूँ। जो भी देश के हित में काम करेगा वो मैं जी सर्वोपरि। देश हित सबसे बढ़ के है। आप ये देखिए कि जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान की गोली चलना बंद हो गई। बिल्कुल सही बात। ये सबसे बड़ा पॉइंट मेरा एक मैं बोलना चाहूंगा, अपने देश के हित में कितना अच्छा हुआ। रोज अपन सोचते थे सैनिक अपने मारे जाते थे, भाई सैनिक का भी परिवार है, वो भी अपने से बीच ही, उनके किस्मत में क्यों ऐसा लिखा हुआ, वो तो देशभक्त है ना। सबसे बड़ा देखिए तो रही बात महंगाई और दूसरी चीजों का अपन जाएंगे तो ये सब तो मुद्दे बेकार है। देश तरक्की करे, देश आगे बढ़े, बस मैं यही चाहता हूँ। वर्तमान सरकार से आपको लगता है कोई ऐसे तीन काम गिनाइए आप मुझे वर्तमान सरकार के जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे? जी सबसे पहला काम तो मैं आपके बिना बोले गिनवा चुका हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक। दूसरी आप तो ये देखिए मैनेजमेंट कितना प्रॉपर है कि हर जगह व्यवस्था प्रॉपर हो गई। बड़े बड़े आतंकवादी जो है इस समय चित पड़े हुए हैं और आजादी की अपन सांस ले रहे हैं। भोपाल में तो खैर माहौल शुरू से ही अच्छा रहा है, लेकिन जहां तक दूसरे प्रदेश को भी अपन इस लोकसभा चुनाव से मान के चलेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव एक देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसमें निश्चित ही अपन एक दो तीन नहीं गिना सकते। कुल मिला के सफलता अपने हाथ लग रही है, अपना देश आगे बढ़ रहा है, बस यही। आपकी बार 400 पार में कुछ लग रहा है, आपको दम है इस नारे में? जी निश्चित ही 400 पार से बहुत ज्यादा संख्या पहुंचेगी, ये संख्या एक आश्चर्यजनक रूप में। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रज्ञा ठाकुर जी और दिग्विजय सिंह का मुकाबला था और दिग्विजय सिंह को उन्होंने कम से 3 लाख मतों से हराया था, ये आंकड़ा आपकी बार कुछ घटेगा बढ़ेगा? देखिए ये जो आंकड़े हैं ये कैंडिडेट के ऊपर निर्भर होते हैं और हकीकत बात तो ये है कि अब जो भी चुनाव लड़ा जाता है या जो भी काम किया जाता है वो अपने देश के वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं, निश्चित ही एक बहुत अच्छे दमदार व्यक्ति है और उन्होंने जो काम करके दिखाया है, जो काम उनके बहुत उल्लेखनीय है। पहला काम तो मैं एक आधा छटके आपको बता चुका हूँ, अब दो काम में मैं दूंगा, राम मंदिर और अपने देश को आगे बढ़ा देना। उनका जो मुख्य ध्येय है कि सेना को समुचित बजट देना, सम्मान देना, तो निश्चित ही 400 पार अपन जाए। राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव में कितना फायदा देगा उन्हें? देखिए राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बनाया गया है। राम जी तो वहाँ पे वर्तमान में भी थे, पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। कभी कभी कुछ काम अदृश्य रह के भी किए जाते हैं और उन्होंने क्या करा कि एक दोबारा से हर चीज़ को इस्टेब्लिश किया और आज गर्व की बात है कि राम जी का मंदिर बना। मैं ये चाहूँगा कि अमित शाह और मोदी जी साथ में योगी जी की जोड़ी अमर रहे देश के लिए, क्योंकि 500 वर्ष के बाद ये पहला रामनवमी है कि राम भगवान अपनी जन्मभूमि पे अपना जन्म उत्सव मना रहे हैं। क्या फीलिंग्स आ रही हैं आपको, क्या आप उत्साह है मन? उत्साह और उमंग तो मुझे क्या सभी को बहुत ज्यादा है और ये चीज सब जगह साफ दिख रही है और हकीकत में ये सब राम जी की कृपा है, राम जी की कृपा से ही हो रहा है, कोई व्यक्ति विशेष उसको कुछ नहीं कर सकता, राम जी की कृपा अपन सब पे बनी रहे। हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम। राम राम। जय
जैसा कि अभी आपने सुना, स्पष्ट वक्ता के तौर पे भाई साहब ने अपने अच्छे विचार रखे। हम और भी लोगों से इस विषय में जानकारी लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लोगों से बातचीत करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका नाम? अमोल अग्रवाल। अमोल जी, आप यही भोपाल चौक क्षेत्र के रहने वाले? यही रहने वाले। चुनाव का माहौल अभी भोपाल में दिखाई नहीं दे रहा, क्या लग रहा है आपको इस बार के चुनाव में? इतनी शांति की लग रही है कुछ माहौल? माहौल इसलिए नहीं हो क्योंकि कांटे की टक्कर ही नहीं है। माहौल जब होती है जब कांटे की टक्कर हो, जब लगता है कि हाँ दोनों बराबर थे, एक दूसरे को टक्कर देंगे, किसी की कोई उम्मीद नहीं हो जीतने की। या पहले से ही सब तय है कि आलोक शर्मा जी को ही आना है, बीजेपी को ही आना है, तो फिर क्या हो कांटे? ऐसा आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को आप कितना जानते हैं? क्या लगता है आपको वो कमजोर प्रत्याशी है? कमजोर इसलिए, पहली बात तो उन्हें कोई जानता ही नहीं, कौन व्यक्ति है, कहाँ से, क्या है, किसी को कुछ नहीं मालूम। और आलोक शर्मा जी आज भोपाल का बहुत पुराना चेहरा, बहुत पुराना नाम है। हर व्यक्ति उन्हें नाम से, उन्हें काम से, उनको चेहरे से, हर तरीके से जानता है। पूर्व महापौर होने का कुछ फायदा है उनको? इस बार की एक छवि बना ली जो उन्होंने पूर्व महापौर के महापौर पद पर रहते हुए। हाँ, बहुत काम किए उनने, लोगों की नजर में अच्छी छवि है उनकी। हाँ, इसलिए बढ़िया है उनका काम, हम सब अच्छा करा है उनने। महापौर रहते हुए चौक के क्षेत्र में विकास में उनके योगदान में आपको लगता है कि वो सांसद के रहते हुए कुछ और अच्छा करेंगे? अब देखिए, मैं चौक के प्रति तो नहीं कह सकता, लेकिन आप भोपाल के प्रति उम्मीद कर सकता हूँ कि वो और अच्छा काम करेंगे। रिसेंटली हाल ही में वो लोकसभा चुनाव से पूर्व विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, ऐसा आपको क्यों लगता है कि पार्टी हर बार उन्हीं पे दाव लगाती है? विधानसभा चुनाव मुद्दा थोड़ा अलग था कि क्या है, जिस एरिया पे उन्हें खड़ा किया गया था, वहाँ का जो वोट बैंक है वो वैसे भी आरएफ वकील का बहुत पुराना वोट बैंक रहा है और एक तरफा रहा है, तो वहाँ पे आलोक शर्मा क्या कोई भी खड़ा होता था तो वो नहीं जीत पाता बीजेपी। ऐसा आपको क्या लगता है कि जातिगत या वर्ग विशेष के वोट का अंतर है कुछ ऐसा? हाँ, वही सबसे बड़ा कारण, जाति वर्ग का ही मेन जो सबसे बड़ा उनका हारने का कारण है वो जाति है। राम मंदिर में 500 साल बाद पहला जन्मोत्सव मनाया, किस नजरिए से देखते हैं आप उसको, क्या सोचते हैं आप उसको, कितनी खुशी है? खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं है, 500 साल बाद हमारे राम जी अपने घर पधारे हैं, खुशी को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और इसका पूरा क्रेडिट बीजेपी और मोदी जी को ही जाता है। आपको लगता है अगर यदि मोदी जी नहीं होते तो शायद ये काम अभी कुछ और वर्ष चलता? और वर्ष नहीं था, ये काम शायद कभी हो ही नहीं पाता। ये काम सिवाय मोदी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता था, या केलो बीजेपी के अलावा कोई नहीं कर सकता था। चलिए, हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। आइए, इस मुद्दे पर हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं, हमारी बातचीत जारी है। आइए हम उनसे मिलते हैं और भाई साहब से भी बारे में इस बारे में जान करते हैं। सर जी, आपका शुभ नाम? साहिल। साहिल भाई, अभी लोकसभा चुनाव वर्तमान में होने वाले हैं, भोपाल लोकसभा सीट पे आपको लगता है, क्या लगता है, क्या रुझान है आपके नजर में? मेरी नजर में तो सभी सीटें हैं, बाकी यही कि नेता अच्छा होना चाहिए। आप दोनों पार्टियों में से किसको ज्यादा अच्छा लग रहा है आपके नजरिए से, कौन सा नेता ज्यादा? दोनों नेता अच्छे हैं, बस काम अपना सही करें बस। आपको लगता है कि इस सीट पे कुछ कांटे की टक्कर होगी अभी और मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में? मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या राय है आपकी, जो पूर्व महापौर आपके यहाँ से लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि वो भोपाल लोकसभा सीट का विकास कर पाएंगे यहाँ के लोगों की? अच्छा विकास कर पाएंगे, ये लोग कोई भी निकल जाए बहुत अच्छा करेंगे। पूर्व में महापौर रह चुके हैं तो भोपाल की जरूरतों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे भोपाल महापौर रहते हुए जो नगर निगम संभाली है, तो हो सकता है उन्हें भोपाल की नॉलेज हो कि कहाँ कौन सी आवश्यकताएं हैं सांसद के तौर पे। ये है कि नेता अपना सही काम करे तो नेता है। नहीं, बढ़िया रही है अपनी योजनाओं को लेकर, जो भी अभी तक मोदी जी ने या हमारी भाजपा सरकार ने जो भी वादे किए उस तक वो पहुंचे हैं, उन्होंने पूरा किया। अभी आप जैसे भी देखे, भारत में किसी भी स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखे, रोड को देखे, तो रोड की हालत बता देती है किस शहर की कैसे सरकार चल रही है। तो मेरे हिसाब से अभी भोपाल की सड़कें, भोपाल के आसपास के जिलों की सड़कें बन रही है, कनेक्टिविटी बन रही है। अगर आप यहीं भोपाल में देखें तो होशंगाबाद रोड को कोलार से कैसे जोड़ा, ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट अभी है, लाइंड अप है सरकार अपने। मेट्रो का भी भोपाल में, मेट्रो का भी चल रहा है, तो आने वाले सालों में आप ये भी देखोगे मेट्रो हाईवेज, रिंग रोड, ये सब एक मेट्रो सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा भोपाल भी। भोपाल शहर से बीजेपी के प्रत्याशी एक्स महापौर भी रह चुके हैं, जो पहले पार्षद से स्टार्ट हुए फिर महापौर के पद पे। आपको लगता है कि अगर वो विजयी हुए, इनकेस अगर वो विजयी होते हैं, तो भोपाल की जरूरतों को बहुत अच्छे से समझ? बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि वो रूट लेवल से आपके साथ जुड़े हुए हैं, जब पुराने समय में जो है पार्षद से महापौर, तो उसे टाइम से वो देखते आ रहे दिक्कतें परेशानी, वो लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पे काम किए हैं, वो ग्राउंड लेवल से जानते हैं लोगों को, उनका खुद के संबंध अच्छे रहे यहाँ पे, तो वो जानते हैं कि कैसा क्या जरूरत है भोपाल के लोगों को, वो उसका पक्का वो ध्यान रखेंगे। पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी से कभी लगता है आपको कि उनमें कुछ काम करने का उन्हें समय नहीं मिला या वो काम नहीं कर पाए? अब उसका तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, वो तो उनका है, अब कभी जो भी रहा टेन्योर, जिसका भी जो टेन्योर रहा, काम किया, जिसमें जो हो पाया नहीं हो पाया, वो तो उनका उसी संदर्भ में वही बता पाएंगे, हम नहीं बता सकते ना। 40 साल से इस सीट पर बीजेपी का शासन है,
वर्तमान में जितने भी सांसद 40 साल से लगातार बनते आ रहे हैं, बीजेपी के चुने जा रहे हैं, आपको लगता है 40 साल की अगर सफरनामे को हम एक दो शब्दों में बोलेंगे तो इन लोगों ने कुछ वर्क किया भोपाल के विकास के लिए? मैं तो ये बोलूंगा दो शब्दों में तो भोपाल में तरक्की है। मैं खुद आज बहुत टाइम बाद आज ही लौटा भोपाल। आप कहाँ पे जॉब कर? मैं भारतीय सेना में। आपको देख के लग भी रहा था कि आप सेना में। एक कितना सेना को लेके आपको लगता है भारतीय सरकार का जो वर्तमान सरकार थी उसका रुख कितना स्पष्ट था? नहीं, शुरू से रुख स्पष्ट था, मोदी जी के आने के बाद और स्पष्ट हो गया। अब भारतीय सेना के पास खुद के पास अपनी एक पहचान है। ऐसा नहीं है कि अब कोई सामने से वार करेगा तो हम करेंगे, सामने वाले हमारे सारे लोग सचेत है। किसी आज से 10 साल पूर्व जो कश्मीर के हालात थे, कश्मीर और चाइना को लेके जो हमारे हालात थे, आपको लगता है कि वर्तमान सरकार के रुख से इन दो देशों पे और पूरे विश्व में भारत की जो धाक बनी है, आज कहीं ना कहीं ये दो आतंकवादी समर्थक देश थे, आज उनके ऊपर लगाम लगी है? देखिए, इस बात में कोई दोहराई नहीं कि हिंदुस्तान एक विश्व गुरु बन चुका है। मोदी जी ने वो पहचान पूरे विश्व में हम सबको दिला दी है, तो हर देश हिंदुस्तान से रिश्ता बनाना चाहता है। तो एक वो बहुत सबसे अच्छी बड़ी बात है कि हिंदुस्तान अब एक ऐसा विश्व गुरु बन चुका है जिसकी हर कोई पहचान साथ में बनाना चाहता है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में आपको लगता है भारत सरकार ने जिस तरह से अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकाला था, किसी अन्य देश के लिए वो इतना संभव नहीं था? वो तो है, बिल्कुल संभव नहीं है। अगर आपके किसी के साथ रिलेशन ही अच्छे नहीं होंगे, आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो कोई भी आपकी मदद करेगा नहीं पढ़ के। लेकिन हिंदुस्तान में यही चीज है कि हिंदुस्तान ने रिश्ते सबसे अच्छे बना के रखे हुए हैं। मोदी जी ने सबसे अच्छी पहल, अगर मैं बोलूंगा, अगर उनका हम बोलते कि उन्होंने सरकारी खर्चे पे इतने देश घूमे, उन्होंने देश नहीं घूमे, उन्होंने सरकारी खर्चे के ऊपर अपनी पहचान बनाई हिंदुस्तान की। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।